भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आपको बता दें कि इस मैच में मोहम्मद शमी, उमेश यादव और खलील अहमद तीनों पेसर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि वेस्ट इंडीज की टीम को पहला झटका भी लग गया है। मोहम्मद शमी ने अपना पहला मैच खेल रहे चंद्रपाल हेमराज को पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर जबरदस्त बोल्ड किया और वेस्टइंडीज की टीम को पहला झटका दे दिया। बता दें आपको कि आज गुवाहाटी का ग्राउंड काफी छोटा है, ऐसे में हाई स्कोरिंग मैच होने की संभावना है, लेकिन यहां पर पहला झटका देते ही मोहम्मद शमी और टीम इंडिया ने बता दिया कि भाई टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है और अगर यहां पर वेस्टइंडीज को मुकाबला करना है तो कम से कम बोर्ड पर 300 से 350 रन लगाने होंगे, तभी भारतीय टीम जो है वो मैच को थोड़ा सा परिस्थितियों के हिसाब से नहीं खेल पाएगी, क्योंकि अगर यहां पर 200-250 रन वेस्ट इंडीज की टीम बनाती है तो भारतीय टीम के लिए टारगेट चेस करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की।